में मैं शामिल होने आया। इस दुख की घड़ी में उनके साथ उनका दुख बांटने मैं परिवार के सदस्यों से मिला हूँ। सदस्यों ने कुछ शिकायत भी की, जहाँ तक परिवार से जो बातचीत हुई है वो हमारी अलग बातचीत है। आप मीडिया के लोग हैं, हर चीज को समझते हैं। राजनीतिक लोग अपनी तरीके से डिफाइन करते हैं चीजों को, लेकिन जो कुछ हुआ है वो सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर। जो घटना हुई जेल के अंदर, उन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं। कोई आज बात मैं कह दूं, आप मेरे जितने भी भाषण हैं विधानसभा के या विधानसभा के बाहर, जब कभी प्रेस से बातचीत हुई उस दौरान मैंने ये कहा कि सबसे ज्यादा भेदभाव अन्याय इस सरकार में लोगों के ऊपर हो रहा है, और कस्टोडियल डेथ में भी ये सरकार और प्रदेशों से आगे जाना चाहते हैं। आपको याद होगा मैं बलिया में जब आया था, एक व्यापारी परिवार से मैं मिला था, उसकी शिकायत ये थी पुलिस प्रशासन जानता था, सूदखोर उस पर दबाव बना रहा था, लाइव उसने अपनी जान दे दी थी, लाइव जान दी थी। उसके बाद एक और परिवार से मैं मिला था, चौकी के पास उस छात्र नेता को दौड़ा दौड़ा करके मार दिया। जेल में घटना होना, थाने में घटना होना, मुख्यमंत्री आवास के सामने न्याय के लिए आत्मदाह कर लेना, तहसील के आगे जाकर के लोगों का या किसी को न्याय नहीं मिला उसने आत्मदाह किया है, जाने गई हैं, और इस सरकार को कोई परवाह नहीं है। जहां तक इस घटना का सवाल है, कितने वर्षों से सजा खुद पाया, और जिस व्यक्ति ने खुद कहा हो कि मेरी जान ले ली जाएगी, जहर दिया जा रहा है, उसके बाद सरकार ने क्या किया? और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी पूर्व में जिन जिन लोगों ने कहा कि मुझे खतरा है जान का, मुझे सुरक्षा दे, सरकार का पहला काम है नागरिक को सुरक्षा देने का। जो सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, न्याय नहीं दे सकती, वो सरकार जनता की नहीं हो सकती। और आप जानते हैं, आप भी तो एक पिलर हैं डेमोक्रेसी, आप पे कितना दबाव है। आप सच दिखाएंगे तो हो सकता है आप पे कार्रवाई हो जाए, न कार्रवाई हो तो कोई पुरानी चीज ढूंढ ली जाएगी आपकी। हमने आपने वो देखे कि अगर किसी पत्रकार ने खबर ये भी चलाई कि दाल में पानी है, नमक है, हल्दी है, दाल नहीं है, उसको जेल तक जाना पड़ा। तो ऐसी सरकार जिसपे हम सब यही कहते हैं कि डेमोक्रेसी में न्याय मांगना, न्याय दिलाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि न्याय मिले लोगों को। कम से कम सरकार के प्रति भावना बढ़े, भरोसा बढ़े। और सोचिए आप, इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रही हैं, हम किस पे भरोसा करें? हम पुलिस से शिकायत करें, पुलिस न्याय नहीं दे रही। हम किसी अधिकारी से बात करें, अधिकारी न्याय जनता को नहीं दे रहा। तो इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया, ये आरोप कोई हम लोग नहीं लगा रहे। क्या हमने आपने नहीं पढ़ा कि गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने कहा ये आखिरी चुनाव डेमोक्रेसी का, अपने बोर्ड से बचा लो। अगर बोर्ड से डेमोक्रेसी नहीं बची तो डेमोक्रेसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर रहे हैं, हम किस पे भरोसा करें? इस सरकार ने भरोसे को और सच्चाई को मारा है। सर, मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मौत हुई और परिवार ने और खुद मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया, क्या सीबीआई जांच की मांग करेंगे? मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा सुप्रीम कोर्ट ने सिटिंग जज की निगरानी में, कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में अगर जांच होती है तो न्याय मिलेगा। और जो न्यायिक जांच हो रही है उस पर भरोसा है? मुझे सरकार पे भरोसा नहीं है कि सरकार न्याय दिला पाएगी, सच्चाई सामने आएगी। लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। सर, बांदा की जेल
और जेल में पहले भी कहा गया जो व्यक्ति वर्षों से जेल में था, आखिरकार उसे क्यों लगा कि मेरी जान को खतरा है? सरकार क्या दिखाना चाहती है? तो कम से कम सरकार को न्याय दिलाना चाहिए और देश की परिणाम ये था कि इतनी बार वो विधायक चुने गए, जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो उसके बाद भी जनता जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रह करके उसका दुख दर्द बांटा है। और मैं समझता हूँ पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं वो सोशल मीडिया का जमाना है, आज वो तमाम स्टोरीज वहां पर हैं कि किस तरीके से परिवार ने लोगों के बीच काम किया, उनके दुख दर्द में शामिल रहे हैं। लोकतंत्र में जो जनता का दुख दर्द नहीं बांटता, दुख दर्द में नहीं खड़ा होता, उसके साथ जनता भी नहीं खड़ी होती है। और वो जिस दिन खबर सुनी लोगों ने और आज तक जिस तरीके से परिवार से लोग जुड़ रहे हैं, ये बताता है कि परिवार के लोग जनता के बीच में रह करके उनके दुख दर्द को समझते हैं।